युवक इंटरनेट के जरिए से मतदाताओं को मतदाता पर्ची उपलब्ध करवा रहे थे। इसी दौरान भ्रमण कर रहे पुलिस पदाधिकारी द्वारा युवकों पर लाठी चार्ज किया गया। इसके बाद लोग उग्र हो गए और बूथ पर पथराव कर दिया। इसमें 6 लोग चोटिल हो गए। घटना के बाद 100 से अधिक सुरक्षा कर्मी बूथ पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर शांत करवाया। सुरक्षा कर्मियों ने शांति मार्च भी निकाला। पुलिस ने उपद्रव कर रहे 2 युवकों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर आपको बताया जा बता दें कि लाठी चार्ज के बाद लोगों ने पथराव किया है। यह बता दें कि लोकसभा चुनाव के 4th चरण का मतदान जारी है और इस बीच मतदान केंद्र संख्या 145 और 146 पर BLO द्वारा पर्ची नहीं दी गई। बता दें कि कुछ स्थानीय युवक इंटरनेट के जरिए से मतदाताओं को मतदान करने यानी कि पर्ची उपलब्ध करवा रहे थे। इसी दौरान भ्रमण कर रहे पुलिस पदाधिकारी द्वारा युवकों पर लाठी चार्ज किया गया। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई जहां पर पथराव किए जा रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं। वहीं पर बता दें कि पुलिस कर्मी पर एक पक्ष को लेकर के चुनाव कराने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं बंगाल में हमने देखा कि राजनीतिक हिंसा के चलते एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, उसके ऊपर बम फेंक करके हत्या कर दी गई है। तमाम अपडेट्स हमने दी है और 9 बजे तक किन जगहों पर किन सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान किए गए हैं ये सारी अपडेट हमने दी है। और इस बीच बड़े बड़े आरोप भी सामने आए हैं। कई दिग्गज पर्सनैलिटीज हैं जो जाकर के अपने मत का इस्तेमाल कर चुकी हैं। इस बीच सुब्रत पाठक भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कन्नौज से भाजपा ने सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा है, जिनके अगेंस्ट अखिलेश यादव हैं सपा से। ठीक है, तो इसके अलावा उन्होंने जनता से ये भी अपील की है कि वोट करें और जितना हो सके अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और जनता इसमें बहुत बड़ी एक हिस्सा है, एक भागीदारी है और अपने मत का इस्तेमाल करने की लोगों की अपील की जा रही है। फिर चाहे वो सुब्रत पाठक हो या हमने जब आखिरी में भी देखा बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री जब पहुंच रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं, वोट करने के बाद अपने परिवार के साथ वो अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और लोगों को एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि लोग जाएं अपने मत का इस्तेमाल करें। और आज मौसम भी काफी अच्छा है, सुहाना है, गर्मी थोड़ी कम है, लेकिन ऐसे में भी कई जगह पर EVM मशीनों की जो खराबी की बात है वो भी सामने सुनाई दे रही है। और ऐसे में जो मतदाता है उनमें भाजपा सरकार को लेकर के या जो मौजूदा सरकार है उनको लेकर के जो नाराजगी है वो भी लोग व्यक्त कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया उन्नाव का भी कि किस तरीके से दो